हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल मदर मैरी पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। इन टुडेज क्लास वी विल रीड इंग्लिश बुक ऑफ क्लास फिफ्थ एंड टुडेज अवर चैप्टर टीम वर्क। सो स्टूडेंट्स, होप यू विल रीड कंसंटेंटली एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है टीम वर्क। टीम वर्क का मीन्स होता है एक साथ मिलकर काम को करना। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? डू क्या यू तुम लाइक पसंद करते हो टू वर्क कार्य करना एंड प्ले खेलना विद साथ अदर्स अन्य के? क्या तुम किसी अन्य के साथ खेलना और वर्क करना पसंद करते हो? क्योंकि जब आप किसी दूसरे के साथ खेलते हो या वर्क करते हो उसी को हम टीम वर्क कहते हैं। टीम वर्क का मीन्स जो होता है एक साथ मिलकर काम करना या फिर ग्रुप में काम करना। लेट्स सिंग एंड डांस। लेट्स अब सिंग गाते हैं एंड डांस नाचते हैं। टीम वर्क साथ साथ काम करो, साथ साथ काम करो। टुगेदर साथ साथ वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। अगर हम साथ साथ किसी काम को करते हैं वी कैन हम सकते हैं मेक बना अवर ड्रीम वर्क। हम अपने ड्रीम वर्क को पूरा कर सकते हैं कि अगर आप टुगेदर मीन्स साथ साथ अगर आप किसी काम को करोगे तो आप अपने ड्रीम वर्क को भी बना सकते हो। देन यू विल शेयर द जॉय ऑफ वॉट वी हैव डन। देन तब वी विल शेयर, आप बांटोगे या हम बांटेंगे द जॉय जो आपने मस्ती किया आनंद को ऑफ वॉट वी हैव डन जो आपने किया है। इसके बाद अगर आप साथ साथ काम करते हो तो जो आपकी मस्ती होती है वो भी साथ साथ बढ़ जाती है। टीम वर्क एवरीवन। टीम वर्क साथ साथ काम करो एवरीवन प्रत्येक एक। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रो द हुप। इस बात में बहुत फन है बहुत मज़ा है टू शूट करने में मारने में द बास्केटबॉल को थ्रो द हुप में। हुप होता है जो आप किसी लोहे का या लकड़ी का जो गोला होता है आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम हुप बोलते हैं इन इंग्लिश। और शूट बोलते हैं जैसे बच्ची ने बॉल ली है, ये बॉल किसी अदर को अगर क्रॉस कराती है। बट इफ़ नोबडी पासिस दैन नोबडी सूट। बट यदि नोबडी कोई भी पासिस नहीं पास कर सकता है दैन तब नोबडी सूट कोई सूट भी नहीं कर सकता है। देखो जैसे जो बच्चे हैं ये टीम वर्क में एक वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो प्ले कर रहे हैं साथ साथ। क्या प्ले कर रहे हैं? बास्केटबॉल को प्ले कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मस्ती तब है जब कोई सूट करता है और हुप करता है यानी कि रिंग में डालता है। बट अगर कोई भी बच्चा पास नहीं कर सकता है बॉल को तो वो शूट भी नहीं कर सकता है। एंड द रेली रेस जस्ट कैन नॉट गो ऑन। और जो रेली रेस होती है एक छोटी सी रेस बच्चों की, जस्ट कैन नॉट गो ऑन, वो भी नहीं की जा सकती है। इफ़ नोबडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन। इफ़ यदि नोबडी कोई भी नहीं वॉन्ट्स चाहता है टू पास करना द बैटन को, कोई भी नहीं चाहता है कि उसके हाथ से बॉल किसी दूसरे बच्चे पे जाए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सभी जो है हुप करें, सभी बॉल को हुप में डालें। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। हम सभी उसी ही खेल के भाग हैं, जो हम सभी साथ साथ खेल रहे हैं हम सब उसी के ही पार्ट्स हैं सभी होल। एंड वी हैव गॉट अवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। और हम सब की जो निगाहें हैं वो जाती है एक कॉमन गोल, हमारे सामान्य गोल के ऊपर यानी कि लक्ष्य के ऊपर। इसमें सभी बच्चों का गोल क्या है कि सभी को बॉल मिले और वो कहाँ करें उसको हुप में डालें ताकि उनका गोल कंप्लीट हो। समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस। कभी कभी ये क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा गोल हो जाता है उनके लिए, बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है। मतलब किसी बच्चे के पास बॉल नहीं आती है। व्हेन यू और ए मी बिकम्स एन अस। और इसी तरह से जब हम टीम में वर्क करते हैं तो कोई एक यानी कि यू तुम, ए मी और मैम मी यूज किया गया है किसी एक बच्चे के लिए, यू यूज किया गया है किसी अलग बच्चे के लिए। जब वो साथ साथ किसी काम को करते हैं तो वो बिकेम हो जाते हैं अस, हम यानी कि हम हो जाते हैं मैं और यू मिलके। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर की स्टोरी है। इस चैप्टर आपको यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं। आपने चैप्टर में जो वर्ड हार्ड वर्ड देखे हैं उनका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। टीम वर्क का जो मीनिंग होता है कंबाइन एफर्ट ऑफ ए ग्रुप, मैंने आपको बताया किसी ग्रुप या समूह में इकट्ठे होके कंबाइन होके किसी भी काम को करना। हुप का मीन्स होता है वुडन और आयरन की लोहे का या फिर लकड़ी का एक रिंग गोला जो मैंने आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाया भी है। पासिस होता है गुजरना।
और रियली रेस रेस बिटवीन टीम जो भी मध्य होती है टीम के, ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, जो कि प्रत्येक पर्सन क्या होता है भाग होता है ऑफ द डिस्टेंस दूरी में होता है। बैटन का शॉर्ट ट्यूब ऑफ स्टिक कैरिड इन रिले, जो रिले रेस में एक स्टिक लेके चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैटन बोलते हैं। लेट्स रीड कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अब आपको क्या करना है सेंटेंस को कम्प्लीट करना है। ये लाइन आपने क्या किया कि इस स्टोरी में पढ़ी है आपने, इस पोएम में इन लाइन को पढ़ा है, आपको इन लाइन को पढ़ने के आफ्टर क्या करना है, इनको फील करना है, डू इट योरसेल्फ। थिंकिंग एंड राइट नेम द टीम मेंबर नीडेड फॉर द फॉलोइंग, आपको क्या करना है कि नाम लिखना है टीम मेंबर का जिनकी नीडेड जरूरत होती है फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित को करने के लिए। सबसे फर्स्ट उन्होंने दिया टू प्ले क्रिकेट, वी नीड क्रिकेट खेलने के लिए हमें जरूरत किस किस की होगी, बैट्समैन की होगी, बॉलर की होगी, फील्डर की होगी और कोच की होगी। इसी तरह से अब आपको क्या बताया ना, टू मेक ए फिल्म वी नीड, फिल्म को बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत होगी, डायरेक्टर की होगी, कैमरा की होगी, हीरो हीरोइन, माइक ATC और भी बहुत सारी होती हैं। अभी आप गए नहीं हो कहीं फिल्म जहाँ पे शूट हो रही है, जब आप जाओगे तो देखना किस किस की वहाँ पे जरूरत होती है, जितना भी पता है मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। टू रन ए गुड स्कूल वी नीड, स्कूल को चलाने के लिए किसकी जरूरत होगी, प्रिंसिपल होना चाहिए एक अच्छा स्कूल में, गुड टीचर्स वहाँ के टीचर अच्छे होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, आने जाने के लिए बस फैसिलिटी होनी चाहिए और वहाँ पे स्टूडेंट्स होने चाहिए। टू रन ए रेस्टोरेंट वी नीड, एक रेस्टोरेंट यानी किसी बड़े होटल को चलाने के लिए वहाँ पे चेयर होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, कुक होना चाहिए जो वहाँ पे खाने को बनाता है, मैनेजर होना चाहिए जो कि सभी का ध्यान रखे कि ताकि वहाँ पे जो खाना है वो बासी ना दिया जाए किसी को, और वेटर होने चाहिए जो वहाँ पे पानी वगैरह को आपके पास लेके आए। कंप्लीट द सेट्स ऑफ रहमिंग वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपको क्या करना है रहमिंग वर्ड्स को कम्प्लीट करना है, पूरा करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जिनमें से एक आपके लिए किया गया है। वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, पोयम के जो वर्ड है वो ये है, टीम आया है, प्लस डन आया है, हुप है, सूट, गोयल और ये आपके उसमें आया है पोयम में आया। आपको अपनी तरफ से लिखना है इनके जैसे वर्ड को, जैसे टीम का बीम हो सकता है, प्लस डन का क्या होता है बिकम, हुप ग्लूम, ग्लूम मीन्स होता है अंधेरा, सूट का हो सकता है बूट जूते, गोल का होता है हो सकता है ओवेल, जो होता है बॉय। आप अपनी साइड से भी लिख सकते हैं अगर आपको भी इनके जैसे अदर वर्ड आते हैं। रीड द पोयम, ये जो पोयम है दी गई है हमें उसको पढ़ना है। नाउ फ्रॉम क्वेश्चंस फॉर द आंसर गिवन इन द स्पीच बबल्स, आपको क्या करना है जो हमें बबल्स में यानी कि जो हमें बुलबुलों में ये दिए गए हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, हमें क्या करना है इनका क्वेश्चन बनाना है। द सूज वॉज लॉस्ट बिकेम ऑफ द नेल, जो सूज है वो खो गए तो आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, वाई वॉज द सूज लॉस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है कि सूज क्यों खो गए थे। ऐसे ही द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुल्ड नॉट बी फॉट, कि जो साम्राज्य था वह क्यों खो गया था, क्योंकि द बैटल कुल्ड नॉट बी फॉट, जो वहाँ के सैनिक थे वो लड़ नहीं पाए थे। वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट, इसका क्वेश्चन बन रहा है कि जो साम्राज्य था वह क्यों खो गया था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि आंसर के लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं और क्वेश्चन के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। जब तक हम क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। नाउ मेक थ्री मोर क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द पोएम टीम वर्क, अब आपने टीम वर्क जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से आपको क्या करना है, थ्री क्वेश्चन बनाने हैं और उनका आंसर लिखना है, खुद से आपको बनाना है। जैसे आपको इस स्टोरी में आंसर दे गए हैं, क्वेश्चन आपने बनाए हैं वो मैंने बनाए हैं, बट आपको मैंने वे बताया कि किस वे में बनाना है, सेम ऐसे आपको यहाँ पर करना है। डू इट योर सेल्फ, अपने आप करने की इसको कोशिश करो ताकि आपको कुछ आए। पिक्चर कंपोजिशन, आपको क्या करना है पिक्चर को देखना है, पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई अलमारी बना रहा है, कोई दरवाज़ा बना रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई ईंटों को लगा रहा है, कोई बल्ब को सही कर रहा है। अब यहाँ पे आएंगे, इसमें हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया है, मतलब जो भी यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उन सब वर्कर का नाम हमें इस बॉक्स में दिया गया है। जैसे कारपेंटर है, जो कारपेंटर है यहाँ पे क्या कर रहा है, दरवाजा बना रहा है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हु इज़ लेइंग द ब्रिक्स, ईंट को कौन लगा रहा है, हु इज़ होल्डिंग द लैडर, जो होल्डिंग है उसको कौन कर रहा है, हु इज़ द मैन ऑन द लैडर।
यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने पिक्चर को देख लिया है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वही वर्ड्स हमें कौन से दिए हुए हैं, जो इस पिक्चर में वर्कर वर्क को कर रहे हैं उनको हम इन इंग्लिश क्या बोलते हैं, वो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल हु इज मेकिंग द डोर, दरवाजे को कौन बना रहा है। तो आप पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में देखेंगे कि दरवाजे कोई बना रहा है, इसमें से हम दरवाजा बनाने वाले को क्या कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे कार पेंटर। ऐसे ही आपको अदर क्वेश्चंस को करना है। लेट्स टॉक इन ग्रुप ऑफ फाइव, डिस्कस व्हाट यू इंजॉय डूइंग एलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन ग्रुप। आपको अब डिस्कस करना है कि आप कौन सी चीज़ें एलोन यानी कि खुद करना पसंद करते हैं और कौन सी चीज़ें आप ग्रुप में करना पसंद करते हैं। जैसे कि स्टडी, स्टडी आप ग्रुप स्टडी पसंद करते हो या एलोन अकेले बैठ के पसंद करते हो। प्ले खेलना आप खुद पसंद करते हो या फिर ग्रुप में खेलना पसंद करते हो। ऐसे ही आपको अपने ओन में ये सब चीज़ें फील करनी है। In your family, what activities are done individually and as a groups? आपके family में कौन सी activities ऐसी है जो आप अकेले करते हैं और जो आप group में करते हैं? My mother decided, my father decided, I decided, we decided. कौन decision लेता है? आपकी माता जी लेती है, आपके पिताजी लेते हैं, आप लेते हो या फिर सभी लेते हो? मतलब आपकी फैमिली में अगर किसी चीज़ को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है तो उसका जो डिसाइड निर्णय लेते हैं वो आप खुद लेते हो या आपकी माता जी लेती है, आपके पिताजी लेते हैं या आप सभी मिलकर लेते हो, सभी की सुनी जाती है उसमें। ये चीज़ आपको यहाँ पे फील करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर जो आपको वर्ड्स मीनिंग है ये और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मेरे को पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। थैंक यू। मैथ यूज़ करना एक दो जगह ना, मतलब एक दो जगह अपने आप पढ़ ले।